सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लैपटॉप में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर से और वो स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद वो प्रॉपर जो है इंस्टॉल नहीं हो पाती है। आपको यहाँ पर दिखाता है फेल्ड वायरस स्कैन। यहाँ पर जो वायरस स्कैन करता है, जो भी एप्लीकेशन आपकी होती है, इस वायरस को स्कैन करने के लिए यहाँ पर वायरस स्कैन फेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है जब स्कैनिंग फेल्ड हो जाती है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर लैपटॉप है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है और सर्च बार में यहाँ पर आपको लिखना होगा रजिस्ट्री एडिटर। यहाँ पर आप सर्च बार में लिखिए रजिस्ट्री एडिटर। अगर आप रजिस्ट्री एडिटर नहीं है तो यहाँ पर रजिस्ट्री होगा आपके लैपटॉप में, तो इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको यस नो दिखाएगा, तो यस पर क्लिक कर दीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाए, अब आपको क्या करना है, मैं एक बैकग्राउंड से इनको बंद कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, तो यहाँ पर एच की क्लास रोबोट, एच की करंट यूजर, एच की लोकल मशीन, यहाँ पर इसको एक्सटेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको एक्सटेंड करेंगे उसके बाद ये सब आएंगे। अब सॉफ्टवेयर है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए इस पर क्लिक करके। जैसे आप सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट है, इसको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट है जो आपको, इसको सर्च करके, ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसको एक्सटेंड करना है, क्लिक कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट को जैसे ही आप एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ पर आपको विंडोज सर्च करना है, विंडोज। तो यहाँ पर स्क्रॉल के नीचे आते हैं, विंडोज यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज है, इसको एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से विंडोज को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर करंट वर्जन है, ये देखने को मिल रहा है, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इसको एक्सटेंड करने के बाद अब यहाँ पर आपको पॉलिसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉलिसीज को सर्च करना है तो कर लेते हैं, ये पॉलिसीज है। अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं। जैसे आप पॉलिसीज को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर अटैचमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये अटैचमेंट्स है, देख भी सकते हैं आप। यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं आ चुके हैं, स्कैन विद एंटीवायरस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ से इस 3 को कट करके 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद यहाँ से इस पर डबल क्लिक करिए, ये देख सकते हैं ब्लू हो गया है। अब उसके बाद ओके कर दीजिए, सिर्फ ये काम आपको करना होगा। ये करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, अब जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, स्कैनिंग फेल्ड नहीं दिखाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द वे टेक केयर, लव यू ऑल।